नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शुरू कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के अभी सबसे बड़ी मतलब जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है उसके सबसे बड़े कंपनीज है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, एग्रो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में नंबर वन पोजीशन में है पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और कंपनी में ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। तो जब इस कंपनी के ऊपर एक मुझे ट्रेड मिला, उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के शानदार परफॉर्मेंस होने के कारण। क्योंकि पूरा केमिकल सेक्टर का अगर ओवरऑल एवरेज में टोटल 19 केमिकल्स कंपनी है, और वो भी एग्रो केमिकल्स कंपनी है, तो उनमें से टोटल एवरेज जो कंपनी है सारे कंपनीज का अगर सेल्स का ग्रोथ देखूँ तो नेगेटिव है, मगर पीआई इंडस्ट्रीज का सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव है, और वो भी 11%। और प्रॉफिट का ग्रोथ सारे कंपनीज के ऊपर नेगेटिव है, 9.5% के आसपास। और अभी करंट इस कंपनी का पी रेशियो कितना है, 31% के आसपास। मतलब कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक चल रहा है, और इसी पी रेशियो के ठीक ठाक होने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। वाटर लेजर आप देखेंगे तो जब केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हो गया, फिर भी इस कंपनी ने सेल्स को उतना ज़्यादा कम नहीं किया, कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग जो 6 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला है, उस दिन भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, एक अलग लेवल में प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है। तो इस बार हाइस्ट कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया पिछले सालों के तुलना से। बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। एक टाइम कंपनी का 500 करोड़ तक कर्जा चला गया था, अभी उससे भी कम हो चुका है। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के CWIP देखूँ तो कंपनी इस बार भी बिजनेस के ऊपर 173 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्टमेंट भी किया। तो सारे पॉइंट्स गुड होने के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जर्नी देखने को जरूर मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक इसीलिए निवेश करके रखे हैं क्योंकि कंपनी में हमेशा एक अपटेन ऑन पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो किस तरीके से अपटेन हुआ, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद एक शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितने टाइम इसका वोलेटिलिटी झेलना पड़ा। इतने टाइम वोलेटिलिटी झेलने के बाद फाइनली 20% का रिटर्न मिला फाइनली 2 दिन पहले। तो कितने दिन टाइम लग गया, जब इसका एंटी बना, एक्चुअली ब्रेकआउट ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद इस जगह पे रिटेस्ट करने के टाइम में मैंने एंटी लिया, तो ऑलमोस्ट इसका जो टारगेट मिला 380 डेज, मतलब 1 साल लग चुके थे, और उसके बाद कंपनी ने 20% का रिटर्न दिया। कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन बनी जाते हैं कि कुछ कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ और पॉजिटिव हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर लास्ट डेज में कंपनी के ऊपर बिग गैप डाउन में ओपन हुआ क्योंकि कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो फाइनली कंपनी का जो रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं इस बार भी रिजल्ट का हालत थोड़ा सा खराब है। क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 739 से लेकर 748। तो आप कहेंगे सर सेल्स तो ज़्यादा हो गया, तो आप कह रहे कि सेल्स खराब है। वेट करिए, अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का सेल्स ठीक है, एक्सपेंस कंपनी ज़्यादा कर बैठे। इस बार कंपनी के एक्सपेंस कुछ ज़्यादा हो कर बैठे, तो जिसके चलते कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, आप खुद ही देख लीजिए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट कम हो गया एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया। और यही कारण के वजह से शेयर में एक गैप डाउन में ओपन हुआ। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि इस बार रिलैक्सो शायद कुछ खास परफॉर्मेंस कर पाएंगे, मगर यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस खास देखने को नहीं मिला। क्योंकि मैनेजमेंट पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो बिजनेस में जो इम्पैक्ट आया, मतलब ये जो नेगेटिविटी आया, तो उसको रिकवरी करने में 2025 तक लग जाएगा। क्योंकि इसका जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है कंपनी, तो कंपनी लग्जरीज प्रोडक्ट एंड मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोनों को ही यहाँ पे बेचना चाहते हैं। तो पहले वो हाई क्वालिटी को बेच रहा था, लो क्वालिटी के ऊपर उसका ध्यान नहीं था। तो इसीलिए मैनेजमेंट यही कहा कि दोनों प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करने वाले हैं। तो रिलैक्सो के ऊपर मैं बुलिश हमेशा इसीलिए रहता हूँ क्योंकि देखिए फुटवेयर इंडस्ट्रीज में
आप देखेंगे तो सबसे बड़े ब्रांड अभी बन चुके हैं मेट्रो ब्रांड, और मेट्रो ब्रांड का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, और बाकी जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से खराब, सबसे खराब जो हालत है वो है रिलैक्सो का। तो इस हालत खराब होने के कारण क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं, इस तरीके से सिचुएशन हमेशा चलता रहता है। कंपनीज के ऊपर अगर खराब होता, कंपनी का मतलब बिजनेस खराब होता, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग जाता। हुआ क्या, उल्टा हो गया। म्यूचुअल फंड के पास 7% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 9.5% हो चुके हैं। एफएस के पास 2.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के कितने हो चुके हैं, 3.5%। मतलब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाई कर रहा है। क्यों बाई कर रहा है? क्योंकि कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। अच्छे कंपनी डिस्काउंट में अगर मिले तो वॉरेन बफेट जी ने हमेशा कहा कि उस कंपनी के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही जाकर बाई करिए, परसों इस कंपनी के ऊपर सेल ऑफ करिए, ऐसे मत करिए। आप किस लिए बाई कर रहे हैं, किस बेसिस में बाई कर रहे हैं, वो जरूर सोचिए, जो वो जरूर याद करिए। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो व्यू है, जो अपडेट है, जरूर यहाँ पे आपको वॉच करना होगा, जरूर आपको स्टडी करना होगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, इस कंपनी के अगर जब अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखना, कंपनी के जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर 100% मार्केट शेयर है। और कंपनी के ऊपर देखिए, इन मतलब जो कंपनी का, सॉरी, मार्केट से नहीं, कंपनी फुटवेयर के ऊपर 100% काम करते हैं, और कंपनी इंडिया में 95% और बाहर की कंट्रीज में 4.3% बिजनेस कर रहा है। अभी मार्केट शेयर में स्लीपर जो प्रोडक्ट है, स्लीपर सेगमेंट, उसमें 5% का मतलब इस कंपनी के ऊपर मोनोपोली है। तो 5% का कंपनी इस सेगमेंट के ऊपर मार्केट लीडर है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, वो है कंपनीज के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न। देखिए, ध्यान से देखिएगा, कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी के बाद, एक बिग क्रैश होने के बाद, कंपनी के ऊपर शोल्डर, बिग हेड, 3 बार यहाँ पे शोल्डर बने थे, और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा था। तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो बिग एक जर्नी हो सकते हैं, ऐसे बिग जर्नी हो सकते हैं, और ऊपर भी जाने का चांसेस है। और मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जा सकते थे अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आते। तो रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, तो इसमें थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी है। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। एक जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो बेसिकली राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इंडिया की एक पॉपुलर ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर खासियत यही है कि कंपनी का 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर, और वो भी ग्लोबली कंपनी का गोल्ड माइनिंग के ऊपर है। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर एक बार बिजनेस के बारे में बात करूँ, तो अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख लीजिए, पूरे के पूरे गोल्ड के ऊपर, गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% काम करते हैं। और कंपनी देखिए जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में सिर्फ 19%, बाकी यूरोप कंट्री में 29%, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में 18%, ईस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 14%, साथ ही साथ चाइना में भी 7%। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी अगर इतना खास जगह पे प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो भी कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी इंडिया के जितने सारे ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, सारी कंपनीज बहुत शानदार काम कर रहा है। तो उसके पीछे रीज़न कौन सा है? देखिए, बेसिकली उसके पीछे रीज़न यही है कि जो प्रोडक्ट का डिमांड है ग्लोबली मार्केट में, वो देखा जाए तो बहुत कम हो चुके हैं। तो अभी ग्लोबली मार्केट में जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो इसीलिए कंपनी देखिए लगातार क्या कर रहा है, लॉस करते चले जा रहा है। मतलब इतने दिनों से इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था, वो प्रॉफिट कंटिन्यूसली डाउन हुआ, उसके बाद फाइनली लॉसेस हुआ। अभी ये बताया जा रहा है कि इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट का डेट कौन सा है, मैं डेट अगर बता दूँ कंपनी का, रिजल्ट का डेट आ चुके हैं 12 अगस्त में कंपनी का रिजल्ट मिलेगा। तो जो लोगों को मैं बार बार बोल रहा था कि कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, और कंपनी के ऊपर एक लेवल्स में कंपनी काम कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक करने का वो बार बार कोशिश करने का ऊपर ऊपर में जा रहा है, मगर ब्रेक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और तो नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकते हैं? फर्स्ट जो लेवल बन के आया है 245 के आसपास, और सेकेंड जो लेवल बन के आ रहा है 220 के आसपास। इस दोनों लेवल को अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली काम तब तब करूंगा जब कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, जब कोई अपॉर्चुनिटी बने। तो राजेश एक्सपर्ट के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, तो जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है
उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ई आई एच एसोसिएटेड लिमिटेड। तो ई आई एच एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, और इस कंपनी ने गुड अपडेट यही दिया कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोनस अनाउंसमेंट किया। 13 तारीख को हर एक के बदले एक शेयर बोनस मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लाइंडली ये सारे कंपनीज के ऊपर काम मत करना, एक बार रिसर्च करना उसके बाद काम करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर आपको काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।